अब हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन सीरीज है विलियम बर्ड्सवर्थ की, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। माइकल बाय विलियम बर्ड्सवर्थ इज ए एपिक है, एपिक पोएम है, पेस्टोरल नरेटिव पोएम है, ऐसे है, प्ले है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सबसे पहले का जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि पेस्टोरल पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्ड्सवर्थ रोट माइकल इन, बर्ड्सवर्थ ने माइकल लिखा है किसमें, फॉर्मल वर्स में, ब्लैंक वर्स में, फ्री वर्स में, नन ऑफ दीज में। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्लैंक वर्स। इसके बाद अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। विच मीटर डिड विलियम बर्ड्सवर्थ यूज इन हिज पोएम? फ्रेंड्स, माइकल में याम्बिक डायमीटर, याम्बिक ट्राइमीटर, याम्बिक टेट्रामीटर, याम्बिक पेंटामीटर, किस सॉरी गाइस, किस मीटर का यूज किया है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43 में जो है हम जाएंगे याम्बिक पेंटामीटर के साथ। विलियम बर्ड्सवर्थ ने याम्बिक पेंटामीटर का यूज जो है माइकल पोएम में किया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज? माइकल के कॉटेज का क्या नाम है? इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, नाइट स्टार है, नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स, क्या नाम है इसका? फ्रेंड्स, इसका जो 44 का राइट आंसर होगा वो होगा हमारा इवनिंग स्टार। फ्रेंड्स, वो है इवनिंग स्टार। विच ट्री इज लेफ्ट वेयर द इवनिंग स्टार कॉटेज बाज? जहाँ इवनिंग स्टार कॉटेज थी, कौन सा पेड़ बचा है वहाँ? बेनियन ट्री, बिर्च, ओक ट्री, पाम? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा 45 का वो होगा ओक ट्री। 46 पे चलते हैं। हाउ ओल्ड इज द हीरो ऑफ द पोएम माइकल? माइकल का जो हीरो है वो कितनी वर्ष का था? 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स? तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर होगा 46 का वो होगा डी, अर्थात 80 ईयर्स। 47 में चलते हैं फ्रेंड्स। व्हेन वाज द पोएम माइकल बाय विलियम बर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड? माइकल जो थी वो कब पब्लिश हुई थी? इन 1798, इन 1800, इन 1802, इन 1805? तो फ्रेंड्स, इसका 47 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा फ्रेंड्स, वो होगा हमारा 47 में बी, 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ ओल्ड इज माइकल्स वाइफ इसाबेल? माइकल की जो पत्नी थी इसाबेल वो कितनी एज की थी? 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा 48 का तो वो होगा हमारा 60 ईयर्स, 60 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। हाउ ओल्ड इज माइकल सन? माइकल का बेटा कितने वर्ष का था? जो ल्यूक था, माइकल के बेटे का नाम था ल्यूक, तो ये कितने वर्ष का था फ्रेंड्स? 14 ईयर्स, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा 49 का वो हमारा होगा 18 ईयर्स, 18 वर्ष का था। न्यू क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस बाज ओरिजिनली कॉल्ड? लीज गैदरर, लामिया, डिटरमिनेशन, नन ऑफ दीज? तो 50 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा लीज गैदरर। बीच पोइम वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन? लॉर्ड नेल्सन की मृत्यु के बाद कौन सी पोइम लिखी थी? लीज गैदरर, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी बैरियर, नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स, 51 का हम जो राइट आंसर लेंगे वो होगा कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी बैरियर्स। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, वेयर डू दीज लाइन अपीयर? ये कहाँ पर ली, कहाँ से ये लाइनें ली गई हैं? टू लूसी से ली हैं, टू मेलंकोली से, टू ऑटोमन से, और डी नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स, ये जो लाइनें हैं 52 की वो निसंदेह लूसी पोएम से ली गई हैं,
द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमिनिटी, दिस लाइन इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से है? द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमिनिटी, टिंटन ए बी से है, प्रिलूड से है, इमोर्टलिटी ओड से है, या नन ऑफ दीज से है? 53 में हम जाएंगे फ्रेंड्स, वो जाएंगे हम टिंटन ए बी के साथ। टिंटन ए बी फ्रेंड्स, टिंटन ए बी इन्होंने दोबारा से विजिट की थी। एक तो ये सबसे पहले गए थे 1793 में, उसके 5 ईयर्स बाद ये गए थे 1798 में। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। द सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द बोन, दिस लाइन इज इन, ये कहाँ से ली गई हैं? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, डैफोडिल्स, सॉलिटरी रीपर, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये लाइन है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। फ्रेंड्स वी आर प्रेस्ड बाय हैवी लॉस, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? द फाउंटेन से, द लूसी सॉलिटरी रीपर से, टू मिल्टन से, नन ऑफ दीज से। तो फ्रेंड्स ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? 55 की जो लाइनें हैं वो द फाउंटेन से ली गई। वेयर डज बर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू एन एलियन हार्प, एक एलियन हार्प से कंपेयर की थी। द इन द प्रिलूड में, द इन प्रिलूड में है, इन टिंटन ए बी में है, नन ऑफ दीज में। तो फ्रेंड द प्रिलूड में इन्होंने कंपेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पोएम हैप्पी वैरियर इज पार्टली कमेमोरेशन ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर जॉन बर्ड्सवर्थ, हिज फ्रेंड्स कॉलरेज, हिज फ्रेंड्स लैम, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स हिज ब्रदर जॉन बर्ड्सवर्थ। इन द पोएम सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, बर्ड्सवर्थ सेलिब्रेट, बर्ड्सवर्थ ने सेलिब्रेट किया था हिज वाइफ मैरी हचिनसन, हिज सिस्टर डोरी बर्ड्सवर्थ, डोरोथी बर्ड्सवर्थ, हिज फ्रेंड एस्टी कॉलेज, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स हिज वाइफ, उनकी पत्नी को सेलिब्रेट किया था उन्होंने। 59 में हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। वेयर वाज विलियम बर्ड्सवर्थ स्टेइंग व्हेन व्हेन ही कंपोज लूसी सीरीज, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। व्हिच इज द ओनली लव सोनेट बाय विलियम बर्ड्सवर्थ, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, स्कॉट नॉट द सोनेट, टिंटन एबे, व्हाई आर दैट दाउ साइलेंट। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, व्हाई आर दाउ साइलेंट। फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स बेहतरीन और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप तैयारी कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आपको फ्रेंड्स कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, TGT PGT की एक बेहतरीन और सक्सेसफुल क्लास आपको यहीं मिलेगी यदि आप सफलता चाहते हैं। फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आराम से मिलता रहेगा और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट के साथ में, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में लिटरेचर और लैंग्वेज की सीरीज आपको देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का थैंक्स फॉर वॉचिंग।